किराया कितना है यहाँ का? 30 रुपया 25 रुपया तो सही गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे। तो गाइस आज हम निकल गए हैं एक और नया वीडियो, एक और नई ब्लॉग के लिए। तो गाइस आज हम आए हैं बिहार के कांटी में छिन्न मस्तिका देवी मंदिर। यहाँ पर कहा जाता है कि सारे मन्नतें जो है पूरी हो जाती है। तो मैं इधर आया था तो सोचा एक बार जो है इस मंदिर में एक बार एंटर कर लेता हूँ एंड इधर का दृश्य मैं आप लोग को थोड़ा दिखा दूँ। तो अभी हम जाएंगे मंदिर में और आज जो है मैं अभी तक जो है ब्रेकफास्ट भी नहीं कराऊँ। तो मेरा जो आज जो है मेरा उपवास है, तो पूजा करके जो है वापस से हम कुछ ब्रेकफास्ट करेंगे। फिलहाल अभी चलते हैं हम मंदिर के अंदर। और ये है दोस्तों मंदिर के बाहर का नज़ारा, और उधर आप लोग देख सकते हो माँ छिन्न मस्तिका देवी मंदिर लिखा हुआ है। और इधर से हम जाएंगे, इसके अंदर जाएंगे इस वाले गेट से, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो माँ छिन्न मस्तिका देवी मंदिर। तो फाइनली गाइस अपन जो है माँ छिन्न मस्तिका देवी मंदिर के अंदर जो है आ चुके हैं, और ये कुछ मंदिर का नज़ारा है इधर में आप लोग देख सकते हो। और ये है मंदिर का गेट। तो अभी हम लोग जो है अंदर जाएंगे, इस वाले ब्लॉग में थोड़ा आप लोग को मंदिर घुमाएंगे। और यहाँ पर कहा जाता है कि आप जो भी सच्चे दिल से आप मन्नत मानते हैं वो पूरा हो जाता है, और यहाँ पर नारियल वगैरह भी बांधा जाता है। तो वो चीज़ें हम जो है मंदिर के अंदर जाके करेंगे। और ये है इस मंदिर का कुछ नियम, यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ शादी विवाह नहीं कराया जाता है, किंतु लड़की दिखने दिखाने का कार्यक्रम होता है, यहाँ शूटिंग नहीं होता है। और ये सारा नियम मंदिर में घुसने से पहले ही बता दिया गया है। मंदिर सुबह के 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक खुला रहता है। अब हम मंदिर के अंदर आ गए हैं एंड आप लोगों को मैं बता देता हूँ, इस वाले साइड से जो है मंदिर के अंदर जाएंगे और यहाँ पर जो है पूजा सामग्री खरीदा जाता है, जो 211 रुपया लगता है, और जिसका मन्नत है उसका 40 रुपया एक्स्ट्रा लगता है। एंड इस वाले पोटली में जो है 2 नारियल रहेगा, चुनरी रहेगा, उसके बाद जो है अगरबत्ती, कंगन, सिंदूर इस वाले टोकरी में, और एक जो है मसूरदाना का एक पैकेट रहेगा, फूल रहेगा, और भी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो रहता है। एंड अब हम चलते हैं पूजा करने के लिए। और ये है माँ छिन्न मस्तिका देवी मंदिर। यहाँ पर जो है जो भी हमने पोटली लिया था वो यहाँ पर पंडित जी को देंगे एंड पंडित जी जो है एक्सचेंज करके हमें वापस देंगे। और इधर आप लोगों को दिखा देता हूँ, जितना भी ये नारियल बांधा हुआ है चारों तरफ, जिनका मन्नत था वो बांध के गए हुए हैं। एंड अगर आपका भी मन्नत है तो आप भी जो इधर बांध सकते हो, एंड जब मन्नत आपका पूरा हो जाएगा तब इस नारियल को जो है हम लोग खोल देंगे। एंड इधर चारों तरफ जो है नारियल बांधा ही हुआ है। अभी हम आ चुके हैं बलि स्थान के अंदर। यहाँ पर जो है हम नारियल फोड़ दिए एंड उसके बाद जो है हमारा जो हाथ में दूसरा वाला नारियल है उसको हम जो है बांधेंगे। सारा काम जो है हम लोग कर लिया, पूजा भी कर लिया, और अब जो है हम लोग का नारियल बांधना था वो भी हम लोग बांध लिया, नारियल फोड़ना था, जो भी काम था सब कर लिया। अब हम चलते हैं थोड़ा आशीर्वाद लेने। तो अब हमारा जो है पूजा पाठ जो करना था कर लिए, अब हम मंदिर से भी निकल गए। तो अब हम जो है सिटी में जाएंगे, सिटी भी थोड़ा सा जो है घूम लेंगे एंड उधर का जो है पार्क भी शायद जाने वाले। तो अभी देखते हैं कहाँ हम लोग जाएंगे, सिटी जाके देखते हैं, अगर हम लोग को उधर में टाइम मिला तो उधर जरूर जाएंगे। मंदिर में क्या विशेषता है मैं आप लोगों को बताता हूँ, उसमें जो भी मुरादे मांगा जाता है वो पूरा हो जाता है। तो देखो वहाँ पर जो है मतलब
प्रसादी वगैरह जो भी नारियल वगैरह खरीदना पड़ता है तो मंदिर में ही अवेलेबल मिल जाता है, तो वहाँ पर जो है 211 रुपया लिया जाता है। एंड अगर आपका कुछ मन्नत है तो उसके लिए अलग से लिया जाता है। अपन जो है ऑटो से जाने वाले हैं मुजफ्फरपुर जो है सिटी जो बेरिया बस स्टेशन होता है वहाँ पे। तो अच्छा किराया कितना है यहाँ का? 30 रुपया। 25 रुपया। ठीक है, तो अभी हम लोग वहाँ पे जाएंगे बेरिया बस स्टेशन, उसके बाद गरीब स्थान जाने वाले हैं। तो आप लोग ये देख सकते हो मुजफ्फरपुर सिटी का जो है ये हाल है, पूरा जो है ट्रैफिक लग गया, पूरा भीड़ लगा हुआ है यार, पूरा भीड़ लगा हुआ है, कुछ कह नहीं सकते यार कब जाकर जो है भीड़ खुलेगा। गरीबनाथ मंदिर के पास में आए हुए थे और आप लोग देख सकते हो मंदिर के बाहर में भीड़, मंदिर जो है बंद पड़ा हुआ है लेकिन इधर भीड़ बहुत ज्यादा है। और इधर आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये है गरीबनाथ मंदिर जो कि मंदिर बंद पड़ा हुआ है कोविड को लेकर, लेकिन आप लोग देख सकते हो मंदिर के बाहर कितना भीड़ है। और इधर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो भी भक्त जो है जल चढ़ाना चाहते हो बाहर ही चढ़ा के जा रहे हैं, मंदिर बंद है यार फिर भी जो है लोग बाहर ही जल चढ़ा के जा रहे हैं। एंड इधर आप लोग देख सकते हो काफ़ी भीड़ लगा हुआ है मंदिर के बाहर, काफ़ी भीड़। इधर जो है आज गरीबनाथ मंदिर भी बंद है, बिकॉज आप लोगों को बता दूं कि कोविड को लेकर बहुत सारे पार्क और प्रसिद्ध मंदिर भी जो है बंद पड़ा हुआ है। तो अभी हम लोग चलते हैं आगे की तरफ एंड कुछ अगर उधर का नज़ारा आप लोगों को दिखाने लायक होगा तो उधर का नज़ारा आप लोगों को ज़रूर से दिखाऊंगा। तो यार अब लग चुका है मेरे को भूख, मॉर्निंग से यार कुछ भी नहीं खाया हूँ, अब जाके जो है मैं चाट बनाया हूँ और यहाँ का चाट जो है काफ़ी फेमस होता है, अगर आपने टेस्ट नहीं कराया तो यार कर लेना। और ये है मुजफ्फरपुर का स्मार्ट सिटी जो कि पूरे रास्ते में जो है पूरा का पूरा जो है पानी भरा हुआ है, लग रहा है कि यहाँ पर एक नाव लाना पड़ेगा आदमी को इधर से उधर जाने के लिए, और मुझे तो नहीं लगता कि ये स्मार्ट सिटी है। और ये है बस का टिकट जो कि 50-55 किलोमीटर का जो है 50 रुपया लिया गया है। एंड आप लोगों को बता दूं अगर आप प्राइवेट गाड़ी से आते हो तो आप लोग से जो है 100 रुपया लिया जाएगा। अब अपन जो है अपने घर के लिए जा रहे हैं, बस में बैठे हुए अभी। तो फाइनली गाइस अपन जो है अपने घर में आ चुके हैं और ये कुछ प्रसाद दिख रहा है, इसमें देखो क्या क्या दिया हुआ। एक तो चुनरी है माता जी का, उसके बाद सिंदूर है, माचिस है, ये जो है फूल है ये, उसके बाद जो है यहाँ पर नारियल है, नारियल वहाँ पर जो मैंने फोड़ा था, उसके बाद जो है ये मछुल दाना है, उसके बाद जो है ये डाणा है एक, उसके बाद एक टिकुली है, सिंदूर है, एक कंगन है, ठीक है, उसके बाद अगरबत्ती है, कुछ अगरबत्ती मैंने वहाँ पर जला दिया था, और ये है रोली, और अभी इसको मैं इसी तरह रख देता हूँ, इसको मैं इसी तरह रख देता हूँ। उसके बाद अब आ जाता है मेरा, मैंने जो है ये सिटी से मुजफ्फरपुर सिटी से मैंने ये लिया है, और इसमें मैंने क्या ले रखा है, तो इसमें मैंने एक जो है ये ट्रैक सूट लिया है, ये वाला ट्रैक सूट लिया है। ये कितने का हो सकता है कमेंट करके ज़रूर से बताना। ये मुझे पड़ा है 250 में, ठीक है, ये मुझे पड़ा है 250 में पड़ा है। और ये वाला जो मेरा पैंट पड़ा है, ये वाला पैंट आप लोग देख सकते हो इसको, तो ये वाला जो मेरा पैंट पड़ा है ये वाला 500 का पड़ा है, ठीक है, तो दोनों मिला के मेरा 750 हो रहा था, तो मैंने उसको 700 दिया है, ठीक है। तो ये दोनों मेरे को पैंट ना बहुत ही ज्यादा पसंद आया। और देखो सिटी में थोड़ा जो है आप अगर दुकान का कॉम्पिटिशन में जाओ तो थोड़ा जो है कम बेस होता ही है, तो उधर से आप ले सकते हो। बाकी यार अपने नजदीकी अगर चौक पर से लो या तो अपने टाउन से लो तो थोड़ा आपको जो है महंगा मिल सकता है। तो गाइस इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूं, अगर आपको वीडियो ज्यादा पसंद आया तो वीडियो को एक प्यार से लाइक कमेंट जरूर से कर देना और साथ में इस वीडियो को फैला देना, क्योंकि आपके लिए इतना सारा मेहनत कर रहा हूं मैं, तो यार वीडियो को फैला दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।